Assalamu alaikum, this is Adnan Ahmed and I'm your instructor for the course Introduction to Programming, and this is our first lecture. Let's move towards the lecture. Okay, so what is programming? हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी जस्ट रिवीजन के लिए, अ प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. आपको याद हो कि हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, सूडो कोड पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली हमने यही डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम बनता है, फिर सूडो कोड बनता है, फिर प्रोग्राम बनता है. उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि हम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे भी यही बात है कि आप जो है एक प्रोग्राम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनलिमिटेड स्टेप नहीं बल्कि लिमिटेड स्टेप्स से जो है एक ऐसा प्रोसीजर डिवाइस करते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. अच्छा जी, कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोग्रामर्स को ज़हन में रखना चाहिए कि डोंट अज्यूम ऑन द पार्ट ऑफ द यूज़र्स. वो क्या है कि आप जब प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं यूज़र के लिए, तो आप यूज़र एंड से अज्यूम नहीं करते कि ये चीज़ तो उन्हें पता ही होगी, ये चीज़ तो सिंपल है, ये तो पता ही होगी, हर बंदे को पता होती है, ऐसे नहीं करते. आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए हर पॉसिबल इंस्ट्रक्शन यूज़र को देते हो ताकि वो उसको आसानी से यूज़ कर सके. यूज़र इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली. यूआई जो है, यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस है, वो फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि वो आसानी से यूज़ कर सके. डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट द कोड. आप जब कोड लिखें तो उसे कॉमेंट करें. कॉमेंट का तरीका आपको बताया हुआ, डबल स्लैश और मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश और स्टैरक, ताकि आप जब कोड को कुछ अरसे बाद भी देखें तो आपको पता हो कि आपने ये प्रोग्राम, ये लॉजिक क्यों लगाया था. प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग कोड बट द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. तो कहते हैं कि प्रोग्राम सिर्फ कोडिंग नहीं है, आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर डिज़ाइन और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से चलना है ताकि आप उस प्रॉब्लम को डील कर सकें. यहाँ पे बताया मैं C++ की कुछ इम्पॉर्टेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अभी भी सॉफ्टवेयर C++ बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेज में एज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है. और ये जैसा बता रहे हैं जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट SQL है, MySQL, ये डेटाबेस है, DBMS है, इसको बनाने में भी C++ का रोल है. इस तरह की हज़ारों लाखों एप्लीकेशन हैं जिन पर C++ को यूज़ करके अभी भी काम हो रहा है. इसी तरीके से कुछ लैंग्वेजेस बनाने के लिए यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, C#, JavaScript, Unix, और उसके बाद कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग, यानी कि जो साइंटिस्ट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, या आप कह सकते हैं मैथ की प्रॉब्लम को डील करते हैं, उनमें बड़ी पॉपुलर है. उसके बाद गेम डेवलपमेंट बड़ी पॉपुलर है. फिर एम्बेडेड सिस्टम जो माइक्रो कंट्रोलर पे काम होता है, यानी कि जो हार्डवेयर में आप प्रोग्रामिंग एम्बेड करते हैं, उसमें C++ का बड़ा यूज है. अच्छा जी, ये लेयर्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, इसको आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली किस तरह आपका काम होता है. तो आप ये देखें कि जो वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशन, डेटाबेस और गेम्स, ये इन्हें आप कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है. अब इसको जो है आप लेयर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बजाय ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली वर्किंग का फ्लो क्या होता है, ठीक है. आर्किटेक्चर बेसिकली हार्डवेयर की बात होती है, तो आप समझ लेंगे थोड़ी सी हेडिंग एग्जैक्टली उस चीज़ को डिपेक्ट नहीं कर रही जो तस्वीर बता रही है, लेकिन आप ये समझ लें कि बेसिकली कंप्यूटर के वर्किंग का फ्लो क्या है. तो सबसे ऊपर लेयर पे है SC एप्लीकेशंस, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहेंगे जिन्हें. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे यूजर्स के लिए होते हैं, यूज़र के यूज़ के लिए होते हैं. उसका जो है कंप्यूटर को या हमारे जो एक सिस्टम है उसको अपनी वर्किंग के लिए उनकी ज़रूरत नहीं होती है. नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने उसने मेंशन किया हुआ है. अब नीचे आप देखेंगे असेंबलर, डिबगर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, कुछ जो है फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इन्हें कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को अपनी वर्किंग के लिए इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ की ज़रूरत होती है, कंपाइलर की ज़रूरत होती है क्योंकि लैंग्वेज जब कोई लिखता है तो उसे कंपाइल करने की ज़रूरत होती है, असेंबलर की यूज़ होती है, डिबगर की इस्तेमाल होता है. तो ये सारी कुछ टर्म्स जो हैं उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. आप नाम से समझ सकते हैं कि बेसिकली ये कंप्यूटर को अपनी वर्किंग के लिए चाहिए. और एट द एंड लेयर पे कंप्यूटर हार्डवेयर पड़ा हुआ है. हार्डवेयर 0-1s की फॉर्म में पड़ा होता है, और ये असेंबलर, कंपाइलर, डिबगर, इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह कन्वर्ट करें आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को 0-1s फॉर्म में, कि वो हार्डवेयर को समझ आ जाए, ठीक है.
ये बेसिकली प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो वो क्या फ्लो होता है उसकी वर्किंग का, वो ये है कि सबसे पहले जो है डिस्क से मुराद आप यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज ही समझ लें, एडिटर आपका डिस्क पे पड़ा हुआ, एडिटर क्या है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकें। प्री प्रोसेसर जो है वो बेसिकली वो भी जब आप सी प्लस प्लस का एडिटर या आई डी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वो इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर प्री प्रोसेसर पड़ा होता है। प्री प्रोसेसर क्या है, प्रोसेस करने के लिए कोड को, यानी पहले ही जो पहले स्टेज पे जो कोड की फिल्ट्रेशन होती है, जो उसकी प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रोसेस करने से पहले उसको प्री प्रोसेस करना, ताकि फाइनल प्रोसेसिंग के लिए वो बेहतर उसका वर्जन तैयार हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले उसको इस तरह उसकी प्री प्रोसेसिंग की जाती है, यानी उसमें कुछ जो इश्यूज़ हैं जो कि फाइनल प्रोसेसिंग में तंग कर सकते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये भी बेसिकली डिस्क लेवल पे ही होता है। फिर कंपाइलर है, ये भी आपके जो है वो कंपाइलर ने क्या करना है, जब कोड प्री प्रोसेस हो गया तो उसे कंपाइल करके जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और एंड स्टोर इट ऑन अ डिस्क। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली रैम इंक्लूड हो गई है। ठीक है, इसे भी आप इस सारे डिस्क को जो है रैम कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी एक मेमोरी यूनिट डिस्कस कर सकते हैं। तो एडिटर पे जो है वो जब आपने बल्कि आप इसको रैम ही समझें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपने एडिटर को क्लिक किया तो वो रैम पर लोड हुआ, फिर जो आपने कोड लिखा वो प्री प्रोसेस हुआ, फिर वो कंपाइल हुआ, कंपाइलर ने एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, फिर लिंकर ने क्या किया, उसने इस ऑब्जेक्ट फाइल को जो कन्वर्जन हुई है कोड की उसको लाइब्रेरी से इंक्लूड किया। लाइब्रेरीज यहाँ पर जिस तरह आपने हैश इंक्लूड हैश स्ट्रिंग पढ़ा था, ये वो लाइब्रेरीज हैं जो कि कोड को जो है वो इसलिए बनाई गई होती हैं कि जो प्रोग्रामर है वो आसानी से जो है कुछ ऐसी बने बनाए फीचर्स को लैंग्वेज का यूज़ कर ले, ताकि उसको बड़े जो है एडवांस काम करने में आसानी हो। तो जब कंपाइल हो जाता है तो वो बेसिकली लाइब्रेरीज के साथ अटैच होता है जो आपने यूज़ की होती है कोड के अंदर, और वहाँ से जो है अपनी सपोर्ट इन्फॉर्मेशन और जो भी उसे चाहिए होती है वो लेता है। फिर उसके बाद जो है ये लिंकर का काम है। फिर जो है आप आते हैं बेसिकली प्रोग्राम जो है वो लोड होता है फाइनली प्रोसेसिंग के लिए रैम के अंदर, फिर रैम से जाता है सीपीयू के अंदर, सीपीयू उसकी एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ऊपर अब ये कन्फ्यूजन आपको आ सकती है कि अच्छा जी यहाँ पे डिस्क आपने पहले सेकेंडरी स्टोरेज का, फिर रैम प्राइमरी मेमोरी भी रैम होती है, तो आप इसको ऐसे समझें कि बेसिकली ये पूरा प्रोसेस जो है अल्टीमेटली कोई भी चीज़ किसी एंड पे छोटी सी भी प्रोसेसिंग करने जा रही है तो उसने जो है वो रैम का इस्तेमाल तो करना है। ठीक है, लेकिन पहले डिस्क इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये चीज़ें पहले से इंस्टॉल थी, स्टोर थी, और फाइनली जब हम इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं तो हम रैम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर प्रोसेस पे जब कंपाइलर कोई काम कर रहा है, जब कोई और बाकी चीज़ कर रहा है तो रैम की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये फ़्लो है। एडिटर से आपने कोड किया, वो प्री प्रोसेस हुआ, फिर कंपाइल हुआ, लिंकर ने उसे लाइब्रेरी से जोड़ा, और फाइनली लोडर ने उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड किया, और ये फिर सीपीयू में जाके रैम से सीपीयू में गया, और फिर उसने एक एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया और उसके बेसिस पे आउटपुट दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका पहला प्रोग्राम है। इस पे हम डिस्कशन कर सके हैं कर चुके हैं कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का क्या इस्तेमाल होता है। कमेंट में भी लिखा हुआ है, इस प्री प्रोसेस डायरेक्टिव इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम का ऐसा, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, इट टेल द सी प्लस कंपाइलर टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अ फाइल, इन दिस केस द सिस्टम फाइल आईओ स्ट्रीम। वही मैंने आपको बताया था कि आईओ स्ट्रीम ये मेक श्योर करता है, ये स्टेटमेंट ये बताती है सी प्लस कंपाइलर को, आपने आईओ स्ट्रीम से कंटेंट लेना है। इसलिए मैं कंटेंट क्या पढ़ा, बेसिक इनपुट आउटपुट जो है का कंटेंट पढ़ा हुआ है। ये जो नेम स्पेस एसटीडी आपको मैंने बता दिया था कि एसटीडी बेसिकली एक नेम से स्पेस है। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली फॉर द वेरिएबल फंक्शन तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमने उस रीजन को जिसका नाम एसटीडी है या उस नेम स्पेस को यूज़ करना जहाँ पे हमारे बेसिक फंक्शन और वेरिएबल्स वगैरह पड़े हुए। नीचे आ जाए तो मेन कहता है वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगेन, ये वो मेन जगह है जहाँ पे बेसिकली ये प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है, और ये सी आउट जो है मिसाल तौर पे आप यूनि नेम स्पेस एसटीडी या आईओ स्ट्रीम नहीं लिखेंगे तो सी आउट पे एरर आएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम क्या कर रहा है, बेसिकली एक हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहा है, और फाइनली जो है वो उसको जो है स्क्रीन पे आपका हेलो वर्ड शो होगा। तो ये एक बहुत एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि अभी आप सबसे छोटा प्रोग्राम हो सकता है, ये सबसे पहला प्रोग्राम हो सकता है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ। तो उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया कि हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या करेगा, यूनि नेम स्पेस एसटीडी क्या करेगा,
मेन का क्या काम है, और फिर मेन की जो ब्रैकेट्स डली हुई हैं, ये मेन फंक्शन है, और इस फंक्शन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंट रिटर्न टाइप है, इसमें हमने डिस्कशन की भी है, तो इस पे भी हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सी आउट हेलो वर्ड बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि हेलो वर्ड को ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट कराएगी। और रिटर्न जीरो ये क्यों है, क्योंकि मेन के साथ इंट रिटर्न टाइप लिखी हुई है, और रिटर्न जीरो ये मेक श्योर कर रहा है कि हम एंड में एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटा टाइप्स लिखी हुई हैं। डेटा टाइप्स ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स क्या बताती हैं कि अच्छा जी, हम अगर एक डेटा टाइप के साथ जो है हम लिखते हैं कि जी हमें एक इंटीजर स्टोर करना है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे, और वेरिएबल में बेसिकली एक जो है एक वैल्यू स्टोर करेंगे। अब वो वैल्यू इंटीजर होगी या क्या होगी या करेक्टर होगी, इस चीज़ की जो है एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो आप जो वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप लिखेंगे उस पे होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बूलियन है, इसको हम सी प्लस प्लस में बूल लिखते हैं, करेक्टर है, और इसको सी प्लस प्लस में चार लिखते हैं, इंटीजर है, तो इसे सी प्लस प्लस में इंट लिखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोट लिखते हैं, डबल फ्लोटिंग पॉइंट डबल लिखते हैं, वैल्यू लेस है तो वॉइड लिखते हैं, और वाइड करेक्टर है तो वाइड चार लिखते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली जो है ये आपकी स्टार्टिंग में बूलियन, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट। और आगे इनके फिर साइज़ बताए हुए हैं ये वाली साथ में, कि जो साइज़ ऑफ चार है इसका 1 बाइट साइज़ होता है, और साइज़ ऑफ इंट जो है उसका 4 बाइट होता है, और इस तरह ही आगे उसके बाइट्स में लिखे हैं। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि वेरिएबल, जैसे नाम से बता रहा है, वेरिएबल इज़ एन एंटिटी जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो वैल्यू चेंज कर सके। तो वेरिएबल कैन बी एनी वर्ड, एनी करेक्टर, एनी लेटर, सवाए उनके जो रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग में, अगर ऑल हमने वेरिएबल को डिटेल में देखना है, तो जो प्रोग्रामिंग में बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्होंने उसने अपने पर्पस के लिए यूज़ किया था। जैसे इंट है, ये वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, बूल वेरिएबल है, क्योंकि ये लैंग्वेज ने खुद यूज़ किया है। और एक कोई ऐसा नाम नहीं हो सकता जिसके नाम के स्टार्ट में नंबर आ जाए, तो वो कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के नाम लिखने के। लेकिन वेरिएबल एक एंटिटी है, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप लिखते हैं पहले उसकी डेटा टाइप, जैसे कि मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो मैं लिखूंगा इंट ए और फिर सेमी कॉलन सी प्लस प्लस में। तो जब अब ये मैं कर लूँगा, इसका मतलब है मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है और उसकी डेटा टाइप इंट है, और इंट का जो है वो मतलब ये है कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, और इसका जो मेमोरी में साइज़ ये ऑक्यूपाई करेगा वो 4 बाइट होंगे। सो इसी तरीके से करेक्टर है, इसी तरीके से इंट है। ठीक है,